नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस खास खबर पर एक नज़र। झांसी के दीनदयाल सभागार में आज दोपहर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें हितलाभ वितरण तथा लाभार्थियों को स्मार्टफोन व टैबलेट का वितरण किया गया। उक्त आयोजन में अतिथि के रूप में राम नरेश अग्निहोत्री, कैबिनेट मंत्री आवकारी एवं मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश शासन, मऊरानीपुर विधायक बिहारी लाल आर्य, झांसी महापौर रामतीर्थ सिंघल, पूर्व MLC रमा देवी एवं जिला अधिकारी झांसी रविंद्र कुमार उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ किया गया। स्वागत गीत के उपरांत वक्ताओं ने सरकार द्वारा लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली योजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इसके उपरांत दीनदयाल सभागार के मंच पर बुंदेली सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुतियां दी गईं। अंत में लाभार्थी परक योजनाओं का प्रमाण पत्र वितरण एवं टैबलेट व स्मार्टफोन का वितरण भी लाभार्थियों को किया गया। जरूरतमंद लाभार्थी स्मार्टफोन और टैबलेट पाकर काफ़ी खुश दिखाई दिए। अंत में जिला अधिकारी झांसी रविंद्र कुमार द्वारा सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार के साथ इसरार अहमद की रिपोर्ट। हमारे लिए समय लेकर आए, साथ में जो हमारे अन्य माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं उन्हें अपनी तरफ से, पूरे जिला प्रशासन की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और इस धन्यवाद के साथ मैं आपसे चार अपील करूँगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पहला तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो युवा साथीगण यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों में से मात्र 10 को यहाँ टैबलेट या मोबाइल फोन दिया गया, जबकि हमने 350 को बुलाया, सबको मिल रहा है। स्टेज और नीचे भी कोई अंतर नहीं है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं था। रेंडमली बुला के कुछ को स्टेज पर दिया गया, बाकी को इसे डिसहर्टेड नहीं होना है। टैबलेट वही है, मोबाइल फोन वही है। मैं चार अपील के साथ यहाँ आया हूँ। सबसे पहला अपील तो ये है, देखिए हम लोग जो हमारे यहाँ युवा साथीगण हैं, हम लोग आपके एज से गुजर चुके हैं। जो मोबाइल फोन और स्मार्टफोन दिया जा रहा है, उससे आप फिर भी उपयोग करें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उस पर आपको हर एक तरह के इंफॉर्मेशन हैं, उसको आप यूज करके जिंदगी में जो भी ड्रीम होगा उसको बहुत आसानी से पा सकते हैं। आज देखिए बुंदेलखंड एक का नाम जो है वो पूरे विश्व में है, और उनके नाम से स्टेशन बनना ही गौरव की बात है। सराज कितनी, लेकिन सर उनकी पहचान तो मिटाती गई ना। आपके विधायक चिट्ठी लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि झांसी का नाम फिर से जोड़ा जाना चाहिए, आप क्या कहेंगे? अब वो विधायक जी से पूछना सर, आज क्या कार्यक्रम, आज कितनी योजनाओं को लॉन्च किया गया और बच्चों को क्या बांटा गया? बच्चों को लैपटॉप मोबाइल बांटे गए, और भी प्रदर्शनी भी बाहर लगी है, जो स्वयं सहायता समूह की हमारी माताएं बहनें तमाम तरह के उत्पाद बना रही हैं, अपने पैरों पर खड़ा करने का काम हमारे देश की सरकार और प्रदेश की सरकार कर रही है। तमाम हमारे गरीबों को उससे स्वावलंबी होने का अवसर मिल रहा है, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो रहे, ये काम पूरी तेजी से चल रहा है। सर सिलेंडर से भी किया गया, किसका सिलेंडर किया गया, किसका सिलेंडर? कई योजनाएं हैं, उनका शिलान्यास हुआ, एक नहीं कई है, आप देख लीजिए, पढ़ सकते हैं। मंत्री जी, जनवरी के महीने में कहा जा रहा है आचार संहिता लगने वाली है, दिसंबर के महीने में आप लोगों ने टैबलेट स्मार्टफोन बांटना शुरू किया है, ये चुनाव की तैयारी है या वाकई छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए? तो पूरे 5 साल तक करते रहे सब काम, 5 साल तो नहीं बांटा आपने स्मार्टफोन टैबलेट, चुनाव की तैयारी क्यों? एक करोड़ युवाओं को आप टैबलेट स्मार्टफोन बांट रहे हैं, चुनाव से वो अभी बांटे, लेकिन 5 साल कुछ न कुछ सेवा के काम हम करते ही रहे हमारी सरकार, और उससे आप जिससे भी जोड़ के देखना चाहें देख सकते हैं, आपके मर्जी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।